ईएच जनता टेलीविजन अपने देख रहल छी जनता समाचार 12 बजे के जनता बुलेटिन में अपने के स्वागत है। नमस्कार, हम शिव अधिकारी। सबसे पहले प्रमुख समाचारक शीर्षक सब। विद्यालय भर्ना अभियान में प्रधानमंत्री मंत्री सहित शीर्षस्थ व्यक्ति सब, विभिन्न बाल बालिका अभिभावक ग्रहण, प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस अभियान में सहभागी। सार्वजनिक सवारी के बाल श्रम मुक्त बनेबाक सरकारी अभियान शुरू, बाल श्रम के प्रयोग राज्यक लेल एक गंभीर समस्या। सिंडिकेट खारिज करबाक सरकारक निर्णयक विरुद्ध यातायात व्यवसायी सभक आंदोलन करबाक चेतावनी, सिंडिकेटक कारण 5 वर्ष में 8,000 से बेसी के मृत्यु भेल। मैनचेस्टर यूनाइटेड के बर्नमाउथ के 2-0 से हरलक, मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोसर सीजन के चैंपियनशिप लीग खेलब तय। आ चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया भ्रमण करता, उत्तर कोरियाई राष्ट्रीय संचार केसीएनएल से भ्रमणक पुष्टि। हमरा लोकन जनता समाचार में छी आप पूरा समाचार। आन साल के तुलना में सरकार इस साल अलग शैली में विद्यार्थी सबके विद्यालय में भर्ती करवाक अभियान शुरू कलक है। इस सालक भर्ना अभियान में प्रधानमंत्री मंत्री सहित शीर्षस्थ व्यक्ति सब, विभिन्न बाल बालिका के अभिभावक तो ग्रहण क विद्यार्थी के विद्यालय में भर्ती करवा रहल छथि। अय अभियान में मुख्य प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक नेता सब सेहो संग दऽ रहल छथि। कर्णाली प्रदेश के एक विभिन्न बाल बालिका अभिभावक बनि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बैसाख 1 गते विद्यार्थी भर्ना अभियानक शुरुआत कयने छलाह। मुगुक कर्मा रोड गाँवपालिका बालिका के पढ़वाक जिम्मेवारी लेवाक जानकारी दैत प्रधानमंत्री ओली विद्यार्थी भर्ना अभियान अलग शैली में उद्घाटन कला। आज यहाँ बसेका केटाकेटीहरु जुन छन्, ती केटाकेटीहरु यहाँ आएका केटाकेटी पनि भविष्यका कर्णधार हुन्। कर्णाली प्रदेश में एक बालिकाक अभिभावक बनल प्रधानमंत्री ओली 4 दिन बाद बुद्धिन और 2 बाल बालिकाक अभिभावक बनलाह। सप्तरिक विभिन्न 2 बाल बालिका के सेहो पढ़ेबाक जिम्मेवारी प्रधानमंत्री ओली लेने छथि। प्रधानमंत्रीय जका मंत्री सब सेहो 1-1 बाल बालिकाक अभिभावक बनि भर्ना अभियान में संग देने छथि। रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल आ अर्थमंत्री डॉक्टर युवराज खदीवाड़ा काठमांडूक विभिन्न बाल बालिका के अभिभावक बनल छथि। अहि अभियान अंतर्गत सत्तारूढ़ दलक नेता सब सेहो 1-1 बाल बालिका के अभिभावक तो स्वीकारत अध्ययन खर्च देबाक प्रतिबद्धता जनौलनि। माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल पश्चिम चितवन के मेघौलिक अल्पसंख्यक सामुदायिक बाल बालिका के अभिभावक तो ग्रहण कलथ। सत्तारूढ़ एमाले माओवादी केन्द्रक बहुतो नेता सब अहि अभियान में संग देने छलाह। प्रदेश मंत्री सब सेहो विभिन्न परिवारक बाल बालिका विद्यालय भर्ना कयने छलाह। 2 नंबर प्रदेशक प्रमुख लालबाबू राहत सेहो सप्तरिक स्थानीय बालगृहक बाल बालिकाक अभिभावकत्व ग्रहण कयने छथि। कांग्रेसक युवा नेता गगन थापा बुढानीलकण्ठ नगरपालिकाक एक बाल बालिकाके पढ़ेबाक जिम्मेवारी लेने छथि। प्रशासनिक क्षेत्रसँ सेहो एहि अभियानके साथ भेटल रहल छैक। अलग शैलीमे शुरू भेल एहि अभियानमे प्रमुख राजनैतिक दल सब केन्द्रीय सदस्यक मात्र साथ भेटलापर सेहो 4,327 विद्यार्थी एहि बेर एहि तरहके विद्यालयमे भर्ती भऽ सकैत अछि। विद्यालयसँ बाहर रहल 37% बालबालिका साक्षर बनेबामे एहि अभियान भारी सहयोग पहुँचबाक अपेक्षा कयल गेल अछि। सार्वजनिक सवारी के बाल श्रम मुक्त बनेबाक दिशा में सरकार विशेष अभियान शुरू कलक है। श्रम मंत्रालय अंतर्गत श्रम कार्यालय आ केंद्रीय बाल कल्याण समिति सब बुध दिन से 4 दिवसीय बाल श्रम मुक्त यातायात अभियान शुरू कल गए। बुध दिन दोपहर राजधानी की प्राण बस पार्क में पहुँचलाक बाद बस सहचालक की बालक अपन रोजगारी गुमल कहित आक्रोशित देखल गेल छल। रोजगारीक नाम पर 14 वर्ष निचाक हजारों बाल बालिका के श्रम शोषण में पड़ रहा। विशेषकर राजधानी के सार्वजनिक सवारी में शौचालय के रूप में एहन बाल बालिका सब यथेष्ट देखल जाते। बाल श्रम प्रयोग राज्य के लिए एक गंभीर समस्या के रूप में रहा। आखिर की छ समाधानक कानूनी बाट हमी बाल बालिका संबंधी ऐन र नियमावली तोकेका कामहरु हामीले गर्छौं नै, त्यसै अन्तर्गत यो पनि हो र खास गरी अब चाहिँ अलिकता
बाल अधिकार संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने दायित्व स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारहरूको पनि हुने भएको हुँदा अब यस्ता कामहरू महानगरपालिका उपमहानगरपालिका आआफ्नो नगरपालिकाहरूले पनि जोखिममा परेका बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने संरक्षण गर्ने त्यस्ता कामलाई समेत उहाँहरूले अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। आप त राज्यकी मूल समस्याकै रूपमा रहल सार्वजनिक सवारी साधनमे बाल श्रमक प्रयोग बन्द गर्बाकले नेपाल सरकारै दिस कदम उठाउल गेलैछ। बुध दिन राजधानीक विभिन्न स्थानमे सार्वजनिक सवारीमे भेल बाल श्रम अनुगमनक कारवाही प्रक्रिया सुरु कयल गेलैछ। बाल श्रम न्यूनीकरणक लेल सामाजिक तवरसँ विभिन्न पहल कयल गेलाक बादो सरकार दिस ई पहिल अनुगमन होयत। यातायातमा चाहिँ नै परेको उजुरीमा हेरेको थियो, यसरी अनुगमन चाहिँ हामी ठ्याक्कै फिल्डमै अनुगमन गरेको थिएन, यो आज चाहिँ सुरुवात गरेको। अब अनुगमन गर्दाखेरि हामीलाई पनि म्यान पावर पनि चाहियो, बच्चा उठाउँदाखेरि बच्चालाई रेस्क्यु गर्नुपर्ने बच्चालाई लिएर राख्ने ठाउँ पनि चाहियो, त्यो व्यवस्था गर्दा गर्दै हामीलाई पनि अलिक टाइम लागेको हो। त्यो व्यवस्था भइसकेपछि आजदेखि हामीले सुरु गरेको हौँ। नेपाल सरकारक बाल श्रम निषेध ऐन 2056 अनुसार 14 वर्षक निशाक बालबालिकाके कोनो तरहके श्रममे प्रयोग नै कयल जा सकैत अछि। मुदा नेपालकै हकमे अइ बातक विचार नै त अभिभावक करैत छथि आ नै त सवारीके धनी। सरकारी तवरसँ कडा ढङ्गसँ ल चल्लापर बाल श्रम न्यूनीकरण आवश्यक सम्भव अछि, मुदा अनुगमन आ कारवाहीके निरन्तरता भेटनाइ सेहो बहुत आवश्यक रहलैछ। क्यामरामे राधिका श्रेष्ठके साथ अस्मिता रिजाल, काठमाडौँ। सिन्डिकेट खारेज करबाक सरकारक निर्णय विरोधमे यातायात व्यवसायी सब आन्दोलनके घोषणा कयने छ। सरकारद्वारा मनमानी ढङ्गसँ यातायात सङ्घ संस्था सबक दर्ता नवीकरण जिला प्रशासन कार्यालयसँग नै करबाक निर्णय कयल गेलाक तकर विरोधमे आन्दोलन कार्यक्रम घोषणा कयल गेल। नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घक महासचिव सरोज सिटला जनतब देलथि। काठमाडौँमे बुद्धिन पत्रकार सम्मेलनक यातायात व्यवसायी सब चेतावनी देलनि जे सरकार जँ अपन निर्णय वापस नै लेलक त ओ सब कडा आन्दोलनमे उतरताह। अभिभावकीय भूमिकामा रहेका हाम्रा सङ्घ संस्थाहरू खारेजी हुने वा कम्पनी रजिस्ट्रारमा लाने कुरा कुनै पनि दृष्टिले व्यवहारसम्मत छँदै छैन। यो नसचिएको खण्डमा हामी जस्तो सुकै आन्दोलनमा जान बाध्य हुनेछौँ। आन्दोलनकै कार्यक्रममा आगामी वैशाख 21 गतेसँ अनिश्चितकालीन यातायात बन्द गर्बाक विषय राखल गेलैछ। सरकार निर्णय केकरो हितमे नै रहल कहैत यातायात व्यवसायी सब आइसँ पहिल चरणक आन्दोलनके घोषणा कयलनि अछि। कार्यक्रम अनुसार काल्हिसँ संयुक्त आन्दोलनके तयारी करबाक 7 गते निर्णय फिर्ता लेबाक माग करैत प्रधानमन्त्री विभागीय मन्त्री प्रदेश प्रमुख मुख्यमन्त्रीके ज्ञापन पत्र बुझाओल जायत। तहिना वैशाख 16 गते सब यातायात कार्यालय घेराव करबाक आ 21 गतेसँ सम्पूर्ण यातायात सेवा ठप बन्द करबाक बात बताओल गेल अछि। महासङ्घक अध्यक्ष योगेन्द्रनाथ क्रमाचार्य कहलनि जे सरकार मध्यम स्तरके पूँजी भेल व्यवसाय उपर अन्याय कऽ रहल अछि, तऽ ओकरा विरुद्ध आन्दोलनमे जयबाक बाध्यता रहलैछ। सड़क दुर्घटनामे पटिकऽ पछिल्ला 5 वर्षमे 8,000 बेसी लोकके मृत्यु होबयमे यातायात क्षेत्रक सिन्डिकेटक मुख्य कारण रहल निष्कर्षसहित सरकार नव निर्देशिका जारी कयलक अछि। मुदा सिन्डिकेट हटबाक हिसाबमे जारी निर्देशिकाक विरुद्ध यातायात व्यवसायी सब आन्दोलनके कार्यक्रम घोषणा कयलनि अछि। गत कार्तिके मध्य दिस पावन आ छठ पर्व मना रहल नेपाली सबके एकटा शोकके सूचना सञ्चार भेल छल। त्रिशुलीमे बस खसलासँ राजविराजसँ काठमाडौँ आबि रहल नाथ 6-14-67 नम्बरके बस दुर्घटना भेलासँ 39 गोटेके मृत्यु भेल छल। दुर्घटनाके कारण छल क्षमतासँ बेसी यात्रु सवार। त्रिशुली जेहन भयावही दुर्घटना भेल काभ्रे देउरालीकी बस दुर्घटनाके कारण ओहने छल, क्षमतासँ बेसी यात्रु सवार। पुरान बसमे क्षमतासँ बेसी यात्रु चढ्लासँ भेल दुर्घटनामे पर कम्तीमे 24 गोटेके मृत्यु भेल छल। काभ्रे देउरालीमे बस दुर्घटना भेल 6 महिना नै विदित जाजरकोटमे दोसर बस पल्टल छल। सदरमुकाम खलङ्गासँ सालमाकी खाराक लेल छुटल ना 3-22-79 नम्बरक बस दुर्घटना भेलासँ 24 गोटेके मृत्यु भेल छल। ई दुर्घटनाके कारण क्षमतासँ बेसी यात्रु सवार। तीनू ठाउँमे भेल बस दुर्घटनाके कारण एकैटा छल, पुरान सवारी साधन क्षमतासँ बेसी यात्रु चढनाइ। ई त भेल यातायात व्यवसायीके सिन्डिकेटक कारण दुर्घटना भेल किछु प्रतिनिधि मूलक दुर्घटनाक विवरण। प्रहरीके तथ्याङ्क अनुसार बीतल 5 वर्षमे सवारी साधन दुर्घटनामे पैर कम्तीमे 8,000
982 गोटेकै मृत्यु भ चुकलै छ। घाइते सङ्ख्या सेहो मृत्यु स तेब्बर रहल अछि। यी भयावक मृत्यु की तथ्यांक देख सदखन सरकार यातायात व्यवसाय सामूह निरी देखत आयल छल। मुदा किछु महीना आगू निर्वाचित सरकार सेहो सवारी दुर्घटना के प्रमुख कारण यातायात व्यवसाय के सिंडिकेट भेल निष्कर्ष में पहुँचला बाद सिंडिकेट के तोड़ जगह कानून बनौने। हमरा लोकन जनता समाचार में छी एखन छोट विश्राम। हमरा लोकन जनता समाचार में छी आ बाकी समाचार। चैत तेसर सप्ताह पहिल अधिवेशन समाप्त भेला के तुरंत बाद संघीय संसद सचिवालय बजेट अधिवेशन के तैयारी में जुटि गेल अछि। कुल 30 दिन में से 9 दिन में 11 बेर बैसार बैस चैत 20 गते पहिल अधिवेशन समाप्त भेल छल। 30 दिन धरि चलल संघीय संसद प्रतिनिधि सभाक पहिल अधिवेशनक बैसार कुल 9 दिन में 11 बेर बैसल छल। 15 घंटा 30 मिनट बैसार बैस मिति चैत 20 गते समाप्त भेल अधिवेशनक बजेट सेशन संचालन के तैयारी में संघीय संसद सचिवालय गृह कार्य कर रहल अछि। जेठ 15 में वार्षिक बजेट संसद में प्रस्तुत कैल जबाक संवैधानिक प्रावधान के देखत गृह कार्य तीव्र कैल गेल। वही के बाद 15 दिन से पहिने पूर्व बजेट मादे विचार विमर्श करबाक हिसाबे नियमावली बनाओल जा रहल जनाओल गेल। बजेट आवश्यक पहिने सरकार के नीति तथा कार्यक्रम राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी संयुक्त सदन में प्रस्तुत करते ही आय कार्यक्रम के ध्यान द संसद सचिवालय दोसर अर्थात बजेट अधिवेशन बैसाख तेसर सप्ताह से शुरू करबाक तैयारी कने। जेठ 15 को बजेट आउनु पर प्रस्तुत हुनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गरेर सचिवालयले अहिले बैशाखको तेस्रो हप्ताबाट दोस्रो अधिवेशन संघीय संसदको दोस्रो अधिवेशन आह्वान हुने गरी हुन सक्ने गरी चाहिँ नि हाम्रो गृह कार्य अगाडि बढेका छौँ। दोसर अधिवेशन सँ बजेट प्रस्तुतिमे केन्द्रित रहत। तकरा अतिरिक्त सरकारद्वारा संसदमे दर्ता कैल जायवला विधेयक आ समसामयिक विषयपर दोसर अधिवेशन केन्द्रित रहत। कानून मन्त्रालय मार्फत आबयवला सरकारक प्राथमिकताक विधेयक सूची सांसद सचिवालयके प्राप्त भेल त ओहिके आधारपर क्यालेण्डर बनबाक तैयारी सेहो कैल गेल सचिवालय जनौलकै छ। अहिलेसम्म हामीलाई विधेयकहरू प्राप्त भएको छैन। सरकारले पनि आफ्ना विधेयकहरूको प्राथमिकीकरण गर्न चाहिँ भनिरहेछ र सचिवालयले पनि र सम्माननीय सभामुख महोदय र सम्माननीय अध्यक्ष महोदयबाट पनि नेपाल सरकार र कानुन मन्त्रालय खास गरी कानुन मन्त्रीज्यूलाई सरकारका प्राथमिकताका चाहिँ विधेयकहरूको सूची चाहिँ सचिवालयलाई प्राप्त भयो भने हामी त्यसकै आधारमा चाहिँ कार्य भने क्यालेन्डर बनाएर अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर हामीले भनिसकेका छौँ। सरकारद्वारा प्रतिस्थापन विधेयक आनल गेलापर ओ प्राथमिकतामे रहबाक जानकारी सचिवालय देने छ। क्यामेरामेन जेपी श्रेष्ठ के साथ पुष्पा केसी काठमाडौँ। महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा मिटरमे नै जायवला उपत्यकाक ट्याक्सी उपरके कारवाहीके तीव्रता देने छ। महाशाखाद्वारा ट्याक्सी मिटरमे जाइलेल तयार नै होबाक शिकायत बढेत गेला बाद अनुगमनके तीव्रता देल गेल छ। निगरानी बढाओल जेबाक संगे मीटरमे जाय नै मानवला दैनिक 50-70 ट्याक्सीके कार्यवाही कैल गेल। महाशाखा सहप्रवक्ता मुकुन्द्र मारासिनी बतलने छ। नै मनरेयार विषयमे हटलाइन 103मे खबर करबाक लेल समेत सर्वसाधारणसँ आग्रह कलत। मिटरमे जाय नै मनरेयार ट्याक्सी पर महाशाखा 3,000-5,000 धरि जरिवाना प्रावधान कयने छ। अहि सम्बन्धी अनुगमनक लेल दैनिक 30 गोटेके परिचालन कयल गेल ओ स्पष्ट कयलनि। महाशाखा चालुक आर्थिक वर्षमे मिटरमे जाहि नै मानवला करिब 4,000 ट्याक्सीके कार्यवाही कऽ चुकल अछि। एमाले सम्बद्ध युवा सङ्घक नयाँ नेतृत्वमे रमेश पौडेल चयन भेल अछि। बृहस्पति दिन भिन्सर सम्पन्न सङ्घक बैसार पौडेलके अध्यक्षमे चयन कयल गेल अछि। अहिसँ पहिने पौडेल युवा सङ्घक उपाध्यक्ष छलाह। अध्यक्ष राजीव पहाड़ी प्रदेशसभा सांसद निर्वाचित भेलाक बाद संघमे नयाँ नेतृत्वक चयन कयल गेल अछि। नेतृत्वमे दिलू पन्त सेहो दावी कऽ रहल छले। तहिना 7 गोटे उपाध्यक्षमे किरण पौडेल, प्रभात विक्रम कटवाल, कान्ति बुढला कोटी, हस्त शाही, परशुराम बस्नेत, गोविन्द थापा आ चन्द्र लामा चुनल गेल अछि। किरण पौडेल अहिसँ पहिने महासचिव छलथि त गोविन्द थापा आ चन्द्र लामा पहिने उपाध्यक्ष भऽ चुकल छथि।
तैना नरेश शाही महासचिव बन्ला आएछ। उपाध्यक्ष द्वे हस्तशाही या कान्ति बुर्लाकोटी तथा महासचिव नरेश शाही माधव नेपाल समूह के छत, बाँकी सब केपीएलयू समूह के छत। बैसारमे 14 गोटे सचिव पदमे 13 गोटे के चयन कल गेल। युवा संघ चुनल कैसा कोषाध्यक्षमे अमित लामा चुनल गेल छत। बैसार से नया नेतृत्वक महाधिवेशनक मिति जल्दी तय करवाक जिम्मेवारी देल गेल छ। आप आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचार का साथ में उत्कृष्ट सेवा का साथ निरंतर अघि बढ़दै लुम्बिनी विकास बैंक निरंतर सहयात्रा। असुरक्षा के कारण प्रभावित होइताल सप्तरी के गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र एखन धरि सेहो पूर्ण रूपमे सञ्चालन आब नै सकलै छ। माओवादी जनित तथा भूमिगत संगठन त्रास के कारण औद्योगिक व्यापारी पलायन भेलाक बाद पुनः उद्योग सञ्चालन वातावरण तैयार नै भेला छ। एखनो धरि उद्योग सब बन्द अवस्थामे रहलै छ। भारत सरकारक सहयोगमे स्थापित गजेन्द्र नारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्र 2051 सालमे नेपाल सरकारकै हस्तान्तरण कयल गेल छल। स्थापन कालसँग नै विभिन्न समस्या से प्रभावित होइत आइलि औद्योगिक क्षेत्र माओवादी जनयुद्ध तथा सशस्त्र समूहक आतंकी कारण करीब 8 वर्ष धरि पूर्ण रूपमे बन्द भेल। हाल 4टा उद्योग सञ्चालनमे तथा 3टा उद्योग सञ्चालनके तयारीमे रहलैछ। औद्योगिक क्षेत्र भित्रके महालक्ष्मी खाद उद्योग S&K इलेक्ट्रोड्स, पद्मज्योति प्लास्टिक उद्योग आ अल नेप्रिल्स टी एन्ड कफी उद्योग पूर्ण रूपमे बन्द रहलैछ। अब द्वन्द्व काल पनि रह्यो, लामो द्वन्द्व काल पनि रह्यो। त्यो बेलामा यहाँ उद्योगहरू प्रवर्तन नभएको अवस्था देखियो। थोरै उद्योगहरू छन्, जस्तै हाम्रो मिलन डेरी एन्ड फुड इन्डस्ट्री प्राली भन्ने उद्योग छ, यो अलिक पुरानै उद्योग हो, यो राम्रो रूपमा सञ्चालन भइरहेको छ। महालक्ष्मी पेट इन्डस्ट्रिज भन्ने छ, यो बोतल बनाउँछ, यसले यो उद्योग सञ्चालनमा छ। विद्युत पाइन फोहोर व्यवस्थापन सुरक्षा लगायतक कारण एखनो सेहो उद्योगमी सब उद्योग स्थापना गरस डरा रहल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय जनतब देलक। बन्द उद्योग विभिन्न समस्या देखबैत उत्पादन नै केने आ नयाँ औद्योगिक लेल सेहो सेड खाली नै भेला छ। औद्योगिक क्षेत्र पूर्ण रूपमे सञ्चालनमे आब नै सकलै छ। चाहिँ यो धानहरूले ल्याएर चामल बनाउने काम गरेको छ, यो कृष्ण खाद्य उद्योग पनि यो सञ्चालमा छ। तर बन्द उद्योग पनि छ, त्यस्तै गरी हाम्रो चाहिँ पहिलादेखि सेड ओगटेर बस्ने अनि उद्योगहरू सञ्चालन नगर्ने उद्योगहरू पनि यहाँ कमी छैन। पुरान किचो उद्योगक नामे हाल करिब 80 लाख रुपियाँ बक्योक्ता बाँकी रहल औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन कार्यालय जनाउनेछ। 294 रोपनी क्षेत्रफलमे रहल औद्योगिक क्षेत्रमे पर्याप्त सेहो उद्योग सञ्चालनमे नै आएला छ। संरक्षण अभावमे लथालिङ बनलैछ। सप्तरी सब विद्यारामजीके रिपोर्ट। हाम्रा लोकन जनता समाचारमे छि एखन छोट विश्राम। हाम्रा लोकन जनता समाचारमे छि आप खेलकुद समाचार। इंग्लिस प्रीमियर लीग अंतर्गत बुध रात के भेल खेल में मैनचेस्टर यूनाइटेड विजय भेलै छ। लीग के उपाधि ऊपर सिटी के कब्जा भेलाक बाद प्रतियोगिता में सुखद अंत्य लक्ष्य में रहल यूनाइटेड बर्नमाउथ के घरेलू मैदान में 2-0 से हरौलक। यूनाइटेडक जीत में क्रिस स्मलिंग आ रमेली लुकाकू 1-1 गोल कलन। खेलक 28 मिनट में स्मलिंग गोल मार्फत अग्रता बनाब सफल भेल यूनाइटेडक लुकाकू 17 मिनट में दोसर गोल कलन। वही के बाद बर्नमाउथ खेल में घूम नहीं सकल छल आ पराजित भेल छल। जितलाक बाद यूनाइटेड के दोसर सीजनक चैंपियंसशिप लीग खेलब तय भेलै छ।
ओकर लीग में 34 खेल से 74 रन रहल है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग जल्दी उत्तर कोरिया के भ्रमण कर जा रहा है। चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग के लिए उत्तर कोरिया की पहल भ्रमण है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप संग बैसार के तुरंत बाद उत्तर कोरिया के भ्रमण तैयारी शुरू कल जबाक बताल गया। इस ट्रंप आ किमबीच बैसार मई महीना के अंत्य दिश आ जून पहल सप्ताह में हेबाक बताल जा रहा है। चीन आ उत्तर कोरिया लंबा समय से व्यापारिक साझेदार रहल आते। अहिबीच किम पहल वैदेशिक यात्रा में चीन भ्रमण क निकट संबंध के संकेत देने छला। मार्च में उत्तर कोरियाई नेता किमक आ चीनक गोप्य भ्रमणक समय राष्ट्रपति जिनपिंग द्वारा उत्तर कोरिया भ्रमणक निमंत्रणा स्वीकार कल गल जनाल गल छल। पछिला समय उत्तर कोरियाक विदेश नीति में लगातार परिवर्तन एवा क्रम जारी है। राष्ट्रपति ट्रंप अपने सेहो गुप्तचर विभाग निर्देशक माइक पोपेयो के किम जोंग संग भेंट क चुकल खुलासा कने। ट्रंप किम बैसारक संभावना सेहो बढ़ चुकल बताओल जा रहा है। विगत सप्ताह चीन के वरिष्ठ अधिकारी पेंगवांग के पहुँचल छलत। उत्तर कोरिया के राष्ट्रीय संचार केसीएनए जिनपिंग के भ्रमण के मादे उल्लेख कने। समाचारक अंत में प्रमुख समाचारक शीर्षक सब फिर से एक बेर। विद्यालय भर्ना अभियान में प्रधानमंत्री मंत्री सहित शीर्षस्थ व्यक्ति सब विभिन्न बाल बालिका अभिभावक तो ग्रहण प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस सेहो अभियान में सहभागी। सार्वजनिक सवारी की बाल श्रम मुक्त बनेबाक सरकारी अभियान शुरू। बाल श्रम के प्रयोग राज्य के लिए गंभीर समस्या। सिंडिकेट खारिज करवाक सरकारक निर्णय विरुद्ध यातायात व्यवसायी सबक आंदोलन करवाक चेतावनी। सिंडिकेट के कारण 5 वर्ष में 8,000 से बेसी के मृत्यु। मैनचेस्टर यूनाइटेड बर्नमाउथ के 2-0 से हरलक। मैनचेस्टर यूनाइटेड के दोसर सीजन के चैंपियनशिप लीग खेलब तय। आ चीनिया राष्ट्रपति शी जिनपिंग उत्तर कोरिया के भ्रमण करता है। उत्तर कोरियाई राष्ट्रीय संचार माध्यम KCNLS भ्रमण के पुष्टि। एखन लेल जनता समाचार एतबे। हमसब अभिराम अन्नपूर्ण अभ्यास में छी। जनता द्वारा जनता लेल प्रसारित जनता टेलीविजन देखैत रहब। नमस्कार।